दूसरा बारी अभी मछली डला गया उसमें, दो बारी में क्लियर हो जाएगा। अरे यहाँ पे देखो अभी फ्राई होके निकल चुका है। अरे यहाँ रहा है यहाँ क्या बोलते हैं भाई, गुलाब जामुन। भाई साहब चिकन भी अपना एकदम रेडी हो रखा है, कैसा? हाँ गाइस मस्त एकदम फर्स्ट क्लास अभी चिकन बन चुका है, देखो पूरा ग्रेवी करेगी, और चावल भी यहाँ बन चुका है। ग्राउंड से चालू हो रहा है एंड यहाँ पे भी हम लोग आए हैं आधा घंटा पहले। अभी तो मन नहीं था ब्लॉग बनाने का, बट अभी स्टार्ट कर देगा इस, क्या कर रहे नहीं कर रहे गा रहे आप लोग को। और फर्स्ट लोकेशन का बात है तो हम लोग आए हैं लारा नदी, जो कि हजारीबाग से अप्रोक्स बोले तो 10 या 12 किलोमीटर है, मिनिमम 10 से 12 किलोमीटर है। और यहाँ का व्यू दिखाते हैं, और यहाँ पे हम लोग अभी कुकिंग करने वाले हैं, मछली चिकन चावल सारा कुछ बनाने वाले हैं, तो अभी आप लोग को सारा डिटेल में बताते हैं। तो आज हम तो मस्त एक बारी अभी मछली 5 मिनट पहले डाल चुके थे, सारा तो मसाला वगैरह डाल के, तो यहाँ पे देखा मछली एकदम पूरा लाल हो रखा है गाइस। फर्स्ट में छोटा सा अपना चूल्हा है, देखो ये अपना मछली पूरा लाल हो चुका है। यहाँ पे ना अपना चिकन है और मछली बचा हुआ, प्याज वगैरह सारा कुछ कट रहा है, प्याज वगैरह सारा कुछ कट रहा है। यहाँ का जो व्यू है मेन व्यू आगे है लारा नदी, और यहाँ पे लोकेशन देखो चारों तरफ ना जंगल ही जंगल मिलेगा। और सारा चीज़ आप लोग को बतलाते हैं, उससे पहले सारा वो मछली निकाल के और फिर आपको दिखाएं। भाई साहब यहाँ आने का कोई सीन फिलहाल हम लोग का नहीं था, अचानक से प्लान बना, कहीं कि गाड़ी में सारा सामान वगैरह तो डाला हुआ था, खाली हम लोग को लेना पड़ा चिकन मछली और सारा मसाला वगैरह था, खाली प्याज लिए हैं और क्या बोलते हैं लहसुन आदि का पेस्ट। तो अपना इंजॉय भी हो जा रहा है उधर से आने के बाद। और देखो यहाँ अरे फूट रहा है, देखो मैं यहाँ पे मस्त अभी ना कैंप नहीं लगाए हैं, ये बिछाए हैं तकिया वगैरह जो है गद्दा वगैरह सब। और भाई साहब देखो यहाँ पे छोटा ही सा लोकेशन, बहुत ही मस्त है, आगे तक पूरा पत्थर है, समझ रहे हो ना, आगे तक पता लग, ये सुनसान रास्ता है एकदम मस्त, यहाँ शांति मिलेगा आप लोग को। जिन्हें पता है उन्हें पता है गाइस कि लारा नदी कहाँ है, फिलहाल तो हजारीबाग में जो जो रहते हैं उन्हें तो खुद पता होगा अगर आए होंगे तो। और आपके बारे में बता रहे हैं, एक मैं भी बोलो तो हिडन प्लेस है, मुझे भी नहीं पता था, मैं खुद अबर बोले तो दिसंबर में आया था भाई के बर्थडे के दिन, तो तब मेरे को पता चला कि यहाँ पे है, तो मेरे को लगा कि वीडियो बनाना चाहिए तो इसलिए बना दे रहा हूँ। और अपना देखो हो सके तो ये रेडी हो चुका है। कौन है ये लोग, कहाँ से मछली पूरा देख रहे हो ना, और यहाँ पे देखो चिकन है और मछली बचा हुआ है। भाई साहब आराम से यहाँ से जो सुकून आता है ना, चार पांच जन आके सुकून जो यहाँ मिलता है ना शांति से, वो गजब का है। यहाँ देख अपना यहाँ अल्टो लगा हुआ है पेड़ के छा के सामने, तो भाई साहब जल्दी से रेडी करते हैं। दूसरा बारी अभी मछली डला गया उसमें, दो बारी में क्लियर हो जाएगा। अरे यहाँ पे देखो अभी फ्राई होके निकल चुका है। अरे यहाँ रहा है यहाँ क्या बोलते हैं भाई, गुलाब जामुन। अरे कहना क्या चाहते हो, घी का स्पेशल शुद्ध गुलाब जामुन। और यहाँ पे हवा चल रहा है एकदम फर्स्ट क्लास गाइस, अब इसको लपेटते हैं जो निकला है मछली और मीठा को। चला जा भाई स्टार्टिंग कर, सचिन बाबू काम में अपना लगा हुआ, प्याज वगैरह कटिंग कर रहा है। सारा मछली साफ हो गया गाइस, अब कुछ नहीं बचा है, देखो सारा मछली खत्म है। यहाँ पे प्याज अपना भुंजा रहा है, प्याज डला गया अभी जस्ट डाले, वही तेल इसमें जो तेल था ना उसी को गर्म कर, कोई दिक्कत नहीं। उसको पकड़ के चलाइए, कपड़ा एक होगा, प्याज भुंजा रहा है। भाई साहब चिकन भी अपना एकदम रेडी हो रखा है, कैसा? हाँ एक पीस निकाल दो, मांस वाला देना, ये चेक करो गाइस मसाला, चेक करते ना मसाला, तो अच्छा लग रहा है। हल्का अच्छा लगेगा दादा, यहाँ पे मछली मार के जा रहे हैं, कैसा है? ये नहीं है एको को नहीं, ये देखो यहाँ सामने झरना मस्त एकदम फर्स्ट क्लास, अभी चिकन बन चुका है, ये देखो पूरा ग्रेवी करेगी, हो रहा है चावल भी यहाँ बन चुका है, और ये देखो शाम भी हो रखा है पूरा। अभी नीरज लेके गया गाड़ी पानी लाने के लिए, कहे तीन बोतल आए थे, सारे तीन बोतल खत्म हो गया, छोटा सा ही सेटअप में मस्त एकदम फुल पावर बन चुका है। यहाँ पे सोए छोटो जी मस्त एकदम लपेटते हैं। पानी खत्म हो गया था, अभी पानी पांच बोतल आ चुका है, कहे कि देखो अभी खाना चालू कर रहे थे, ये देखो अपना अभी खाना चालू कर रहे हैं, गाड़ी वहाँ पे आके लग गया है। चलो अब गेट रेडी भाई, खाना पीना हो गया मस्त एकदम फुल पावर गाइस, अब चल रहे हैं स्नान करने के लिए। देखो बाबू इधर है, देखो खा रहा बेचारा केक खा रहा है, पेट नहीं भरा, चले यहाँ झरना में, हल्का झरना है, अब जा रहे हैं नहाने के लिए यहाँ पे फुल पावर में गाइस। पिछला नहीं ना बाबू, लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, कभी भी आना तो
मैं बता दूंगा जाने टाइम कौन सा रोड से है, इधर आराम से आओ। लोकेशन में क्या नाम था? लारा नदी है, मस्त एकदम। इधर ना दिसंबर में बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड, तो चल रहे हैं अब नहाने के लिए। फाइनली फिर से नहा धोवा के रेडी हो चुका है थारा भाई, साबुन नहीं लगाया गाइस, साबुन था ही नहीं। देखो गाड़ी उधर से आ रहा है सामने से, और हम लोग इधर से पैदल जा रहे हैं कि थोड़ा सा ना वहाँ रोड ख़राब है। और ये रास्ता देखो गाइस, ये रास्ता जाता है हजारीबाग और इधर चुरचू, आप लोग बता रहे थे लोकेशन, तो हजारीबाग लालपुर से ना कटता भाई, लालपुर से ना कटता है, हजारीबाग लालपुर से आओगे ना साइड से यही रोड आता है और ये चुरचू ब्लॉक जाता है ये रोड, और इधर हजारीबाग, तो यही मेन रोड है आपका। अरे वहीं है, फोन कीजिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही गाइस, जो भी था जैसा भी था जैसा लगा आप लोग कमेंट करो, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।